हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर। इट इज द स्टैंडर्ड पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर जो कि हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है लेबोरेटरी स्क्वायर वेव एंड द पल्स जनरेटर। तो स्टैंडर्ड ये यूज होता है लेबोरेटरी में अक्सर। तो अभी हमने इससे पहले डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट इज द स्क्वायर वेव एंड व्हाट इज द पल्स वेव। स्क्वायर वेव में जो ड्यूटी साइकिल होती है वो आपकी 50% होती है, और जो पल्स होती है मतलब जो पल्स होती है आपकी, इसमें जो आपका ऑन ऑफ टाइम है उसको आप अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हैं। ये जैसे इसका ऑन टाइम है एंड दिस इज योर ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें जो पल्स आपकी, जो आपका ड्यूटी साइकिल है, ये ड्यूटी साइकिल आपका होता है ड्यूटी साइकिल, इसको अपन 25% से लेकर के 75% तक इसको अपन वेरी कर सकते हैं। पर जो आपका स्क्वायर वेव होता है, जैसे कि हम देखते हैं स्क्वायर वेव, इसमें ये जो आपका ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो होता है वो इक्वल होता है। ऑन टाइम इज इक्वल्स टू ऑफ टाइम, इसलिए इसमें जो आपका ड्यूटी साइकिल होता है वो फिक्स 50% ड्यूटी साइकिल होता है, ठीक है। तो आज इस तरीके से आपकी दो डिफरेंट स्क्वायर वेव और पल्स वेव, अब हम देखेंगे कि किस तरह से स्क्वायर वेव और पल्स वेव जनरेटर लेबोरेटरी में यूज होता है। तो ये जो आपका स्क्वायर वेव पल्स जनरेटर है, इसका जो आपके फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 1 हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज है, और इसमें आपके दो आउटपुट गिवन है आपके, एक तो है आपका 30, एक तो है आपका 5 नैनो सेकेंड, जिसपे कि अपन जो है 50 ओम वाला आउटपुट, जिससे कि अपन 5 नैनो सेकंड का फॉल टाइम और राइज टाइम ले सकते हैं। दूसरा है आपका 600 ओम, जिससे कि हम 70 नैनो सेकंड का फॉल टाइम राइज टाइम ले सकते हैं, और 30 वोल्ट पीक जो है हम इसमें वोल्टेज ले सकते हैं, और 5 नैनो सेकंड में हम 5 वोल्ट। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एंड पल्स जनरेटर। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, देन एक फ्रीक्वेंसी वाला डायल है, देन अपर करंट सोर्स, लोअर करंट सोर्स, स्विचिंग सर्किट, मल्टीप्लायर, रैम कैपेसिटर, सिंक्रोनस सर्किट, शिमिट ट्रिगर एंड द ट्रिगर आउटपुट, और दो आउटपुट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 50 ओम आउटपुट और 50 ओम आपका जो है इसमें आउटपुट, दो ओम इसमें 600 ओम आउटपुट है और 50 ओम आउटपुट है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक एक ब्लॉक का यहाँ पर क्या काम है। तो जो फ्रीक्वेंसी वाला डायल है, इससे क्या होता है आपका जो इंटरनल सर्किटरी है इसकी फ्रीक्वेंसी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये फ्रीक्वेंसी वाला डायल है, इसकी इंटरनल सर्किटरी क्या है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आपका दिया हुआ है, इससे क्या होता है आपका ये जो अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स, इन दोनों का जो आपका वोल्टेज है ये कंट्रोल होता है, इन दोनों की करंट कंट्रोल होती है, इन दोनों की जो करंट कंट्रोल होती है, इन दोनों का जो करंट का रेशियो होता है, जो कि ऊपर सबसे पहले सिमेट्री वाला जो ब्लॉक दिया है उससे जो है अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स का जो करंट का जो रेशियो है वो कंट्रोल होता है, और इसी रेशियो से फर्दर जो है इस पूरे अपना जो पल्स जनरेटर है इसकी ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होती है, ये जो अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स। फिर ये जो स्विचिंग सर्किट है ये किससे कनेक्ट है, आपका शिमिट ट्रिगर से, ठीक है, और ये अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो स्विचिंग सर्किट है इसका काम है जो शिमिट ट्रिगर है, शिमिट ट्रिगर जो है आपका क्या होता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इसमें आपकी दो स्टेजेस होती है स्टेबल, तो ये क्या होता है आपका दो स्टेजेस में, मतलब ये जो आपका रैम कैपेसिटर है, रैम कैपेसिटर आपको दिख रहा है, रैम कैपेसिटर को जो है मल्टीप्लायर से कंट्रोल करते हैं, मल्टीप्लायर जो है वो रैम कैपेसिटर का जो साइज है उसको कंट्रोल करता है। फिर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये भी आपकी लोअर करेंट सोर्स और स्विचिंग सर्किट से कंट्रोल होती है, अपर करेंट सोर्स और लोअर करेंट सोर्स की स्विचिंग करेंट से जो है रैम कैपेसिटर का जो है आपका वोल्टेज कंट्रोल होता है। रैम कैपेसिटर कैसा वोल्टेज देता है आपका, रैम कैपेसिटर आपका जैसे ये चार्ज हो रहा है तो लीनियरली, जैसे इस समय ये आपका चार्ज हो रहा है, यहाँ तक चार्ज हुआ, दिस इज इट्स पीक वैल्यू, तो यहाँ से जब यहाँ तक चार्ज होगा तब आपका ये शिमिट ट्रिगर जो है एक स्टेज पे रहेगा इन द वन स्टेज और स्टेबल आउटपुट देगा। उसके बाद जो है जैसे ही आपका स्विचिंग सर्किट जो है, स्विचिंग सर्किट का क्या काम है, इसको स्विच कर देगा वो दूसरी स्टेज में, दूसरे स्टेट में स्विच करेगा, तो जो आपका रैम कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा लीनियरली, डिस्चार्जिंग जो है वो लीनियरली होगी, और इस वाली स्टेज में क्या होगा आपका शिमिट ट्रिगर जो है दूसरी स्टेज में चला जाएगा, और ये इस तरह से आपका कांस्टेंट वोल्टेज देगा यहाँ से लेके यहाँ तक के
सप्लाई में, ठीक है. तो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द रैम कैपेसिटर, और रैम कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से आपका जो है शिम ट्रिगर जो है वो दो स्टेज में ट्रिगर हो रहा है, और इसका जो ट्रिगरिंग है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, स्विचिंग सर्किट, ठीक है. फिर इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें सिंक्रोनाइजेशन सर्किट लगा हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट इज टू सिंक्रोनाइज द शिम ट्रिगर. फिर इसके बाद है इसमें 600 ओम आउटपुट एम्पलीफायर लगा हुआ है, मतलब ताकि आप जो आउटपुट वोल्टेज शिमट ट्रिगर के आउटपुट पे आपको क्या मिलेगी, पल्स वेवफॉर्म. शिमट ट्रिगर के आउटपुट पे आपको इस तरह से पल्स वेवफॉर्म मिलेगी, दिस इज द आउटपुट ऑफ शिमट ट्रिगर, लेकिन वो नेगेटिव पल्स होगी. उस वो कौन सी पल्स होगी, आपकी नेगेटिव पल्स होगी, इन द नेगेटिव नेगेटिव वे में, जस्ट इसके अपोजिट. तो उसको अपन पॉजिटिव ट्रिगर जो आउटपुट दिख रहा है इसमें, ट्रिगर आउटपुट सर्किट, वो उसको क्या करेगा, उस ट्रिगर पल्स को जो नेगेटिव है उसको क्या करेगा, उसको पॉजिटिव ट्रिगर पल्स में कन्वर्ट कर देगा. फिर इसके बाद इसमें दो आउटपुट दिए हैं, 50 ओम आउटपुट. फिर इसके बाद इसमें इसका कंट्रोलर दिया हुआ है, मतलब अटेन्यूटर और इसका एम्पलीफायर. तो अगर हमारा वोल्टेज को जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये वाला वर्टिकल आप इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, इस एम्पलीट्यूड को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और हम यहाँ से उसकी ड्यूटी साइकिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो दिस इज द ऑल about the functioning of pulse and the square wave generator, जो कि standard laboratory में use होता है. इसके जो main component है ये है upper current source और lower current source. इन दोनों की current का जो ratio होता है वो symmetry से control होता है, जो symmetry वाला circuit है, और उसी से further जो है वो duty cycle जो है pulse की, ये pulse की duty cycle जो मैंने आपको बताया, और इससे पहले मतलब वीडियो में भी हमने ड्यूटी साइकिल का डेफिनेशन देखा था. तो ड्यूटी साइकिल हम यूजिंग द सिमेट्री और यूजिंग द अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं. और जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो कहाँ मिलती है, शिमट ट्रिगर के आउटपुट पर, और वो मिलती है आपको नेगेटिव वे, नेगेटिव आपको मिलती है, नेगेटिव पल्स मिलती है. तो नेगेटिव पल्स को हम जब ट्रिगर पल्स से ट्रिगरिंग करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. तो रैम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से जो है आपका स्विचिंग सर्किट और शिमट ट्रिगर जो है वो एक स्टेज से फिर दूसरे स्टेज में, फिर दूसरे स्टेज से पहले स्टेज में जो है वो ऑसिलेट होता है, और उस तरीके से हमको ये वेवफॉर्म मिलती है, एक स्टेज फिर दूसरी स्टेज फिर फर्स्ट स्टेज फिर उसके बाद वापस से बैक पुरानी वाली स्टेट में आ जाता है. तो दिस इज द ऑल अबाउट द पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर.